करते हैं, और यह है कि आप तमाम अपने माइक ऑफ रखें। अब वो करो बेटा, आप अपनी वीडियो भी ऑफ कर लीजिए। ओके, क्लास शुरू कीजिए। मुझे मैसेज में टाइप करके कह दें कि सारे अवेलेबल हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह करके क्लास शुरू करें अपनी। ओके, मैसेज आना शुरू हो गए हैं आवाम के। ठीक है भैया, क्लास शुरू करते हैं। आप सब, अब आप तमाम स्टूडेंट्स में से जो पिछली क्लासेस लेके आए हैं, अगर एग्जॉस्ट हुए बैठे हैं तो आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स पोजीशन में कर लें। इंशाल्लाह हमारी क्लास लंबी होगी, और ये है कि इसके बाद हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। दूसरा ये है कि आपके क्वेश्चन जो होंगे क्लास के दौरान में, अगर आपने किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो हैंड रेज कर सकता है या वो टाइप कर सकता है, अनम्यूट करके आवाज़ नहीं करनी। और उसके बाद यह है कि अगर आपके पास हैंड फ्री है तो वो बेहतर है लगा लें, जब आप क्वेश्चन करेंगे ऑडियो में तो वो शोर बहुत ज्यादा होता है। ठीक हो गया, एट द एंड ये होगा कि हम इंशाल्लाह डिस्कशन सेशन भी रखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यह है कि आज की हमारी क्लास, आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, एजेंडा हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि आज की हमारी क्लास जो है वो है बिजनेस लॉ, हाउ टू प्रिपेयर इन रिमेनिंग टाइम, कि हमारे पास जितना टाइम रह चुका है उसके दौरान क्लास को कैसे अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया जाए। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर है मेरी? देखें जरा आवाज को क्या मसला हो गया। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? आ रही है। जिनकी स्टूडेंट को आवाज नहीं आ रही वो अपना नेट चेक करें, आवाज क्लियर है। ओके, तो वो अपना अपना हर बंदा नेट चेक करे, क्योंकि पास मेरे पास नेट भी जो है वो जोंग का 4G बोर्ड चल रहा है, और मेरे पास माइक भी जो है वो बोया का लार्वल सीरीज जो है M1 वो वाला है, तो आई डोंट थिंक इसमें कहीं पर कुछ मसला होगा। तो बाकी यह है कि आप अपनी एनोटेशन अब कर सकते हैं, मैंने ऑफ कर दी है। ओके, तो अब हम क्लास डिस्कस करते हैं बिजनेस लॉ F3 क्लास। और क्या कहते हैं, हमारा आज का जो मोटिव है वो है कि आज हमने जो हमारा रिमेनिंग टाइम रह गया, सुफियान आप अपनी वीडियो ऑफ कर लें, हमारा जो रिमेनिंग टाइम रह गया है उसके अंदर हमने कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक हो गया, मैं थोड़ा सबसे पहले क्या कहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, कि मेरे को आप में से काफी लोग जानते भी हैं, माई सेल्फ हाफिज जुनेद, और मैं जनाब जी क्या कहते हैं पिछले तकरीबन 5 साल से टीचिंग वाली फील्ड में हूँ। इसके अलावा यह है कि CND जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी लेक्चर्स होते हैं, वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स भी होती हैं, और सिलेबस वगैरह रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वहाँ शेयर भी करता रहता हूँ। फिजिकली क्लासेज जो है मेरी वो लाहौर में स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में होती हैं, और इस टाइम जो है कि जो CA ब्रांड पाकिस्तान है एक्चुअली वो भी हमारा पैरेलल चैनल ही है, तो उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर इस टाइम मैं क्या कहते हैं लॉ और BM की क्लासेज ले रहा हूँ। ठीक हो गया, तो इसमें यह है कि अब हम इंशाल्लाह इसको आगे करते हैं। तो देखते हैं कि आज की क्लास का हमारा एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि बिजनेस लॉ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, आप में से काफी सारे क्योंकि रिपीटर हैं स्टूडेंट्स तो उनको आइडिया होगा कि किस तरह का क्या सिलेबस है। आवाज कट रही है, खैर क्लियर हो जाएगी, हर कोई अपना नेट देखे थोड़ा सा, नहीं तो ये होगा क्लियर हो जाएगी। बाकी यह है कि रिकॉर्डिंग हर किसी को अवेलेबल होगी। ठीक हो गया, कोशिश कीजिए कि अपने क्या कहते हैं फिलहाल वो कहते हैं कि इसको ना ऑफ कर ले। YouTube चैनल जो है उसका नाम है CA न्यूज एंड डिस्कशन, या CA&D, जब आप उसको टाइप करेंगे एंड A&D वाला नहीं, वो जो सिंबल होता है वो वाला डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। वहां पे आपको तकरीबन सारी चीजें लॉ के रिलेटेड फिलहाल जो है सिलेबस चेंज हुई है, नई क्या कहते हैं जो एग्जाम सप्लीमेंट है उसके ऊपर भी वीडियोस मौजूद हैं। उसके अलावा ये है कि जो क्या कहते हैं न्यू पॉलिसीज वगैरह हैं, तकरीबन तमाम आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आप मिस कर रहे हैं। और वहाँ पे अगर आपने देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो है हमारी टेस्ट डिस्कशन क्लास जो हमने लास्ट टाइम की थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, देखने के बाद फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और इंशाल्लाह कि आप, मुझे काफी उम्मीद है कि आप उसमें इनेबल हो जाएंगे अंडरस्टैंड करने में। ओके, तो आज का हम देखते हैं कि हमारा आज का एजेंडा जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बिजनेस लॉ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम मार्क्स पैटर्न वगैरह देखेंगे कि कौन-कौन सा पैटर्न किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है ICAP, और फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टडी या पेपर सॉल्विंग के दौरान हम कौन-कौन से मिस्टेक कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमारा आज का एजेंडा होगा जिस पे सबसे ज्यादा टाइम लगेगा 4 to 5 नंबर। ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं बताएंगे कि एक तो हमने स्टडी कहाँ से करनी है, कौन सी बुक से करनी है, और करने का तरीका कार क्या है। ठीक है, इसके अलावा ये है कि आप स्टूडेंट्स को ट्रायल लेक्चर भी मेरे अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह, और वो भी देखना चाहें तो आप अरसलान से कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे और वो भी काफी आपको अहमियत होंगे। ठीक है, फिर हम ये है कि जनरल डिस्कशन करेंगे, एंड पे कंक्लूजन रिमार्क्स होंगे, और सबसे एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाएगा, और फिर यह है कि आपका फीडबैक लिया जाएगा। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जरा अपना आज का टॉपिक और इसके ऊपर बात करते हैं। इंट्रो टू बिजनेस लॉ, सबसे पहले तो यह है कि हम देख लेते हैं कि हम सबको आइडिया है, मेजोरिटी हम में से जो रिपीटर हैं, तो पोर्शन ऑफ स्टडी लॉ हम देखते हैं कि दो पोर्शन है ICAP स्टडी के, जिसको एक को हम अमला कहते हैं, एक को हम कंपनी लॉ कहा जाता है।
ठीक है बेटा जी, अगर आप क्वेश्चंस पे थोड़ा सा कम करेंगे तो मुझे इस पे क्या कहते हैं जरा फोकस करने में मदद मिलेगी जो आज हम क्लास ले रहे हैं। ठीक हो गया, तो मुझे इसको थोड़ा सा देखने दें। अच्छा ओके, तो इंट्रो टू बिजनेस लॉ पोर्शन हमारे पास दो हैं और 50-50 का ही दोनों का वेटेज है, तो हम इन चीजों को थोड़ा सा आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आई कैप की जो एग्जाम पैटर्न है, आई कैप पेपर पैटर्न है, उसमें देखते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे पास एम लॉ का पोर्शन है और कंपनी लॉ का पोर्शन है, दो पोर्शन है। अब जब अगर हमने कभी आप बैठ के इसको नोट करें तो जो कंपनी लॉ का पोर्शन है वो एम लॉ के पोर्शन का 1/3 है। आई थिंक कि उसके सिर्फ 100 या 150 पेजेस बनते हैं जबकि उसके 200 प्लस पेजेस हो जाते हैं एम लॉ के पोर्शन, जबकि दोनों का 50-50% पोर्शन है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये आया। दूसरे, अब हम ये देखते हैं कि अगर आप कभी पास पेपर उठाएं आई कैप के और देखें कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो आई कैप क्वेश्चन पूछता है वो बेशक जितना लंबा केस स्टडी कर दे एट द एंड तकरीबन 70-80% क्वेश्चन जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। आपको जस्ट स्ट्रेट क्या कहते हैं, एक प्रोविजन प्रोड्यूस करनी होती है। 10-20% एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनको कहा जाता है कि वो वाकई ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा अभी क्या कहते हैं एक अपना जो टेस्ट हुआ था उसमें से एक अदर क्वेश्चन देखेंगे भी सही कि कैसे एक क्वेश्चन जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है या हर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होता, उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कहा जाता हर सिनेरियो बेस्ड को। ठीक है, एट द एंड ये होता है कि उसको सीधी सीधी प्रोविजन पूछता है। थोड़ा सा आई कैप पेपर पैटर्न देख लेते हैं, अगर इसमें चेंज हो गया हुआ है जिसमें क्या कहते हैं 30% जो है उसको इसमें दे दिया गया है, एमसीक्यूज वगैरह का भी उसमें पोर्शन ऐड कर दिया गया है। फिर ये है कि थोड़ा बहुत इसमें अब एडिशन डिलीशन हुई है हमारे सिलेबस में, जो कि एग्जाम गाइडलाइन आई थी 8 मई को, अगर आपने किसी ने नहीं देखा तो वो आपको आई कैप की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और ये है कि मेरे चैनल के ऊपर उसकी वीडियो भी आपको अवेलेबल होगी, आप देख लें। तो पेपर पैटर्न क्या हुआ है कि भैया जी इस बार थोड़े से एमसीक्यूज ऐड हो गए, तो लिहाजा टपे मारने की या खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी तक 3 टेस्ट कंडक्ट किए और बिलीव मी सिर्फ एक स्टूडेंट उनमें से ऐसा है जिसने सिर्फ एक टेस्ट के दौरान मेरे ख्याल में पूरे मार्क्स लिए हैं उसके अंदर। ठीक है, एमसीक्यूज ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को, उसकी रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ, उसकी रीजन क्या चल रही है। हम जब स्टडी करते हैं या हम उसके लिए बुक यूज कर रहे होते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स, मतलब किसी टीचर की बुक यूज कर रहे हैं, कोई आसिफ साहब की कर रहा है, कोई आतिफ आबदी साहब की कर रहा है, कोई नोट्स कर रहा है, एक्चुअली जो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है ना उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। हम बुक नहीं पढ़ रहे, हम दूसरे नोट्स पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा इस वजह से एमसीक्यूज आपके लिए ज्यादा मसले वाली चीज है, खुश होने की जरूरत नहीं है। आई कैप इसमें कहीं पे भी कोई कोशिश कर सकता है। उसके बाद जो क्या कहते हैं रिसेंट आई कैप की क्या कहते हैं गाइडलाइन नहीं है, एग्जाम गाइडलाइन नहीं है, उसके अंदर क्या कहते हैं उसने मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें हैं उनके अंदर एडिशन डिलीशन बताया है उसने कि कौन कौन सी इस बार उसने एडिशन की है या डिलीशन की है, वो भी क्या कहते हैं हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी यह है कि डिटेल में मैंने YouTube पे डाल दिया है इसको कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन सा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिकली वो जो है एक्सक्लूड किया गया है। तो ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप देख लें कि सब्जेक्ट वाइज आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है कैंसिल करने में मदद मिल जाएगी। सबसे पहली बात उन्होंने बताया कि 30% ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, 30% सीधे सीधे आपके एमसीक्यूज होंगे और ये सीधे इतने नहीं होंगे जितना वो सीधे बता रहा है होगा। तो ये इस तरह आपको लगेगा कि आप चाइना या जापान में घुस गए हैं, सारों की शक्लें सेम है लेकिन सारों के नाम डिफरेंट हैं या वो लोग डिफरेंट होते हैं। रिमेनिंग जो 70% होता है उसमें 40% वो कहते हैं नॉलेज बेस्ड और 60% एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। अब जरा ना इस बात को गौर से देखिएगा, मैं एक बात करने जा रहा हूं, आप खुद इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा कि ये जो 60% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन उसने कहा है, नॉर्मली ये होता है कि जो 60% होते हैं उसमें से भी 40% जो होते हैं वो स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं, बिला शुबा वो किसी ना किसी सिनेरियो की फॉर्म में होंगे। एट द एंड क्या होगा कि आपको स्ट्रेट प्रोविजन क्या कहते हैं प्रोड्यूस करनी होती है। सिर्फ 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको वाकई ही आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कह सकते हैं जो एक एक्सेप्शनल या ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, तो हम वो देखेंगे कि ये चीजें कैसे होती हैं। उसके बाद क्या किया उसने चीजों की एडिशन डिलीशन बताई है, तो उसने क्या कहते हैं फर्स्ट चैप्टर में जो चीजें डिलीट हुई हैं वो भी बताया है कि कोर्ट सिस्टम वगैरह निकाल दिया है, इसके अलावा शुरू में भी कुछ चीजें निकाली हैं, आप वीडियो देखिएगा डिटेल में। चैप्टर 23 कंपनीज एक्ट का जो क्या कहते हैं मॉर्टगेज और चार्जेस वाला है उसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट 2 निकाल दिया गया है, फर्स्ट सारे का सारा मौजूद है। एक बार फिर आप देख लीजिएगा कि स्टूडेंट का जब मैं टेस्ट ले रहा था सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि जो मॉर्टगेज और चार्जेस वाला चैप्टर है वो पूरा निकाला, वो पूरा नहीं निकाला, वो सेक्शन 100 to above निकाले हैं, 100 निकाला है, 105 निकाला है, 110 निकाला है, 112 निकाला है, तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 बनता है, फर्स्ट नहीं बनता। सेम इस तरह निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या कुछ हुआ है ये भी आप वहां से डिटेल मिल जाएगा, कंपनीज एक्ट के अंदर के चेंजेस भी मैंने विद रेफरेंस टू स्टडी टेक्स्ट के जो चैप्टर है उसके डाल दिए कि कौन कौन सा लेक्चर या उसमें से वो क्या कहते हैं पोर्शन या लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिलीट हुआ है। ठीक हो गया, तो ये एक आई कैप की रिसेंट एग्जाम गाइडलाइन थी।
मार्क्स पैटर्न हमने अभी देख लिया कि किस तरह होता है। अब जरा ये देखते हैं कि भैया उसका क्या कुछ है, वेटिंग वेटिंग देख लेते हैं। तो हमारा जो क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट है वो 250 नंबर का है, और जो फर्स्ट चैप्टर है वो पहले तकरीबन 5 से 10 का पोर्शन होता था, लेकिन उसमें से अब काफी सारी डिलीशन हो गया, तो उसका क्या कहते हैं वेटेज कम किया है, उसने 4 से 6 कर दिया गया है। बाकी ये है कि पार्टनरशिप और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनके भी 10 से 15 के दरमियान में रहते हैं। अगर हम सेफली एक बात डिस्कस करें तो हमारा कंपनीज एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पार्टनरशिप एक्ट और पहला चैप्टर मिला के तकरीबन हमारा 75% जो पेपर है वो कवर कर लेता है। जबकि अगर हम इसके पेजेस या इसका लेंथ या इसका वेटेज काउंट करें तो ये पूरी बुक का हाफ बनता है, बाकी सारा पोर्शन हाफ बच जाता है जो 25 नंबर का बनता है, जिसको हम एम लॉ कहते हैं। ठीक हो गया। हम कंपनी लॉ से ज्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं, वो चीजों को उस तरह नहीं कर पा रहे होते, बुक को उस तरह की स्टडी नहीं कर रहे होते। आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर आपको लॉ करना है तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं, जिस तरह ये मूवीज नहीं होती खासतौर पे एडवेंचर मूवीज होती हैं जिसमें कड़ियां से कड़ियां मिलानी होती हैं, पहेलियां सॉल्व करनी होती हैं, अगर लॉ को आप इस तरीके से पढ़ेंगे और आप क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ सकते हैं ना उसमें से कि ये पॉइंट है एक प्रोविजन के अंदर, ठीक है, तब आपको पेपर स्टडी टेक्स्ट पढ़ने में भी मजा आएगा, अपने नोट्स भी आप बना लेंगे साथ में, और ये है कि आपको एग्जाम में उसमें कुछ भी मसला नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप एग्जाम में एक प्रोविजन है 5 लाइन की, आप 5 की 5 लाइनें लिख देते हो, अगर कहीं पे आप शेल की जगह पे कैन लिख देते हो ना, तो बिलीव मी आपकी सारी प्रोविजन गलत हो जाएगी, पूरी की पूरी प्रोविजन का सेंस चेंज हो जाएगा। एक चीज तो यह है कि लॉ के अंदर सिर्फ 0.1% जगह ऐसी होंगी जहां पे मे का वर्ड यूज हुआ है, नहीं तो हर जगह पे विल और शेल यूज होता है, इज एम आर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें भूल जाए ग्रामर की। लॉ की लैंग्वेज टोटल डिफरेंट होती है, जब आप आर्टिकल में जाएंगे तो क्या कहते हैं आपको ये चीजें पता चलेंगी। ओके, एक और चीज इंपॉर्टेंट बेटा जी, एक बात ध्यान में रखिए, हम लॉ को इस टाइम पढ़ रहे हैं पेपर पास करने के लिए, हमने कोई कानूनदान फिलहाल नहीं बनना। आपको आगे फाइनल में जाके बड़ा क्या कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल का फुल आपको कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाया जाएगा, 3.5 साल आपकी फर्म में अच्छी खासी जलालत होगी, आप पूरे लॉयर बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, आपको सारे जुगाड़ आ जाएंगे, हर चीज आ जाएगी। अब भी हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ पेपर पास करना है, अभी आप लॉजिक्स में, अभी आप उन चीजों में कंसेप्ट्स क्लियरेंस में जाएं, बेशक इस हद तक ना जाएं कि एग्जाम में जब आप बैठे हो तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि इस पे ये भी हो सकता है, इस पे ये भी हो सकता है। लिहाजा हमारी इस टाइम की जो स्टडी है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस करनी चाहिए कि हमने पेपर पास करना है। तो मैं भी इस टाइम जो आपको ये क्लास करा रहा हूँ, मेरी क्लास का पर्पज ये है कि आपने पेपर पास करना है। मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ये नहीं है कि आप कानूनदान बने या आपको प्रैक्टिकल चीजें आ जाएं या आप जाते ही क्या कहते हैं फर्मों में अन्नी पा दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप फॉर्म में बहुत सीखेंगे, 3.5 साल आपके साथ उस वाली होने वाली है, लिहाजा बेफिक्र रह के क्या कहते हैं आप अपनी तैयारी जो है सिर्फ और सिर्फ पेपर पास करने के लिए करें। ठीक हो गया। तो न्यू पैटर्न भी हमने देख लिया, इसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन हो गई। अब जरा आगे चलते हैं, नॉर्मल मिस्टेक वाइल स्टडिंग एंड पेपर सॉल्विंग। हम पेपर सॉल्व करते हुए और स्टडी करते हुए सबसे पहले क्या मिस्टेक्स करते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान हम कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हम डेली लाइफ में क्या कुछ कर रहे हैं। और टू मच स्टडिंग जो है ना ये भी बड़ा एक इशू है, इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा और आप अपने साथ रिलेट कर पाएंगे कि वाकई ही ये चीजें क्या कहते हैं हमें इफेक्ट करती हैं। स्टडिंग विदाउट एनी शेड्यूल ये भी एक मसला है। अच्छा, एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान हम क्या चीज मिस्टेक कर रहे होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम एग्जाम के लिए खास तौर पे प्रॉपर प्रिपेयर कर रहे हैं, हम टेस्ट दे रहे हैं, हमने कोई टेस्ट सेशन ज्वाइन किया हुआ है, या ये है कि हम खुद पास्ट पेपर बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, तो एक चीज हम कर रहे होते हैं कि हम बहुत जल्दी में कर रहे होते हैं। एक देखो, जल्दी में करना, आपकी हैंडराइटिंग खराब होना, ये इस चीज की निशानी है कि आपको सिलेबस आता है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप जिस लाइन पे हो उससे 2 लाइनें आगे का सोच रहे हो और आप अन्य वाह भाग रहे हो कि किसी तरह मैं उस लाइन तक पहुंचूं जो मेरे दिमाग में। सबसे बड़ी गलती आप अपनी प्रेजेंटेशन में कर रहे होते हैं। देखो बेटा जी, अभी आपके पास 3 महीने हैं, ये आपके पास प्रैक्टिस टाइम है। मैं जब टेस्ट सेशन कराता हूं स्टूडेंट, उसमें जो मिस्टेक्स करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक उनकी प्रेजेंटेशन की होती है। वजह क्या है कि भैया अभी आपको डेडलाइन फॉलो नहीं करनी, अभी आपके पास टाइम है, अभी हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप विद इन डेडलाइन बैठ के काम करें। आपके पास 3 महीने हैं, आप इसमें मुसलसल पास्ट पेपर सॉल्व करके अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करें, आप अपनी चीजों को स्मूथ करें, आप आराम से शुरू करें लिखना। पहले 3 या 4 टेस्ट जो है, या आप क्या कहते हैं टेस्ट नहीं दे रहे, पहले 3, 4, 5 दिन या हफ्ता महीना आप सिर्फ अपनी लिखाई के ऊपर तवज्जो दें और उसके बाद अपने आप को पक्का करें कि आपने एग्जाम कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली होता क्या है, एग्जाम में हम जब शुरू में जाते हैं हम बड़ा प्यारा करके लिख रहे होते हैं, आखिर तक जाते जाते क्या कहते हैं हम डॉक्टर बन चुके होते हैं, मतलब हमारी लिखाई हमें ही नहीं समझ आ रही थी हम क्या कर चुके होते हैं। वजह क्या है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, हम शुरू में बड़े पॉइंट बनाते हैं, हेडिंग करते हैं और जैसे जैसे हम अपनी असलियत की तरफ आना शुरू होते हैं हम उन्हीं पैराग्राफ में चले जाते हैं।
एक बात तो ये है कि बेटा जी हम अंग्रेजदान नहीं हैं, हम अंग्रेजी नहीं लिख सकते, ठीक है। बड़े पैराग्राफ की फॉर्म में जब हम एग्जाम में आंसर करते हैं, हम इसकी जगह पे वर्ड लगा देते हैं, वर्ड की जगह पे कैन लगा देते हैं, कैन की जगह पे कुड लगा देते हैं, शेल की जगह पे विल यूज कर लेते हैं, ये सारी की सारी प्रोविजन आपकी चेंज कर देते हैं, आपका पूरे का पूरा पैराग्राफ का सेंस खत्म हो जाता है। पहली चीज ये है कि आप हमेशा पॉइंट्स की फॉर्म में बना के लिखें। थ्योरी का सब्जेक्ट आप बीएम पढ़ रहे हैं, आप ऑडिट पढ़ रहे हैं, आप लॉ पढ़ रहे हैं, जब तक अपनी बुक को पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, पेपर पास करना आपके लिए एज इट इज मसला ही रहेगा, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है कि जब क्या कहते हैं आप स्टडी कर रहे होते हैं, उस दौरान आप जब पेपर सॉल्व करते हैं, आपका माइंड जो है वो आपके सब्जेक्ट से आगे चल रहा होता है, आपके क्वेश्चन से आगे चल रहा होता है, मतलब आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं, सोच उसके बारे में रहे हैं। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं ये हमारी एग्जाम की जो हमारी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसमें सबसे बड़ा मसला कर रहे होते हैं। डेली लाइफ के अंदर हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि बेटा जी हम क्या कर रहे हैं। अब मैं दो पॉइंट इकट्ठे यहाँ पे डिस्कस करूंगा, विदाउट शेड्यूल का और डेली लाइफ वाले का। हम किसी दिन बैठे बैठे ना बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब किसी की हमने मोटिवेशनल स्पीच सुन ली है, या किसी का हमने देख लिया, किसी गोल्ड मेडल वाले को सुन लिया है, किसी ने बड़ा अंग्रेजी में अच्छा खासा हमें भाषण दे दिया, तो हम बैठे बैठे इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि हम जनाब जी उस दिन उठाते हैं और एक ही दिन में 3 या 4 चैप्टर खड़का देते हैं, या हमारे पास ऑनलाइन लेक्चर मौजूद है तो हम 5-6 लेक्चर एक दिन में बैठ के ले लेंगे, हम जनाब जी हमें लगेगा कि आज से हमारी दुनिया बदलने वाली है, लेकिन वो लेक्चर लेने के बाद अगला हफ्ता फिर पूरा हम हाथ नहीं लगाते उस सब्जेक्ट को। तो एक तो चीज है कि उन 6 लेक्चर को इकट्ठा लेने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ आपने वो लेक्चर लिया ही है, इसके अलावा आपको उसका कोई फायदा नहीं हुआ, आपने याद नहीं किया, आप तैयार नहीं किया, आपने क्रिटिकल असेसमेंट नहीं किया अपनी, आपने टेस्टिंग नहीं किया, आपने पास पेपर नहीं किया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने ये सारा कुछ मिस कर दिया। तो एक तो चीज यह है कि हमारे पास शेड्यूल नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि जो मैं क्लासेस ले रहा हूं या जहां पे हमारा टेस्ट सेशन चल रहा है, तो मैं टेस्ट सेशन वालों को गाइड करता हूं कि इतना फायदा आपको टेस्ट देने का नहीं होता जितना आपको एक शेड्यूल के मुताबिक प्रिपरेशन करने का हो जाता है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं या इस तरह की आपने अपनी एक रूटीन बना ली है, आप टेस्ट नहीं भी दे रहे हैं, आप अपनी रूटीन बना लेते हैं कि मैंने इतना डेली करना है, आपके पास अगर शेड्यूल है, उस शेड्यूल के मुताबिक आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यूअस और परफेक्ट वे में तैयारी कर सकते हैं, बनिस्बत इसके कि आप एब्रप्टली तरीके से करें। आप बैठे और क्या कहते हैं कि उसमें एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक मिनट दीजिए, मैं जरा यहाँ पे उसको व्हाट्सएप वालों को मसला आ रहा है ज्वाइन करने में, थोड़ा उनको देख। यहाँ मुझे कोई बता सकते हैं कि यार जी जूम का आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलना है? आई डोंट थिंक मुझे कहीं से इसका आईडी पासवर्ड मिलेगा। प्ले इंटर एग्जैक्ट इनवाइट अनम्यूट इनविटेशन कॉपी हुआ है, मैं इसको एक बार ग्रुप में पेस्ट कर देता हूँ, शायद कुछ स्टूडेंट्स का भला हो जाए इससे। किधर गया ये, इसमें देखते हैं कि ये अब इनविटेशन क्या है। चले हाँ, इसके अंदर इनविटेशन है, आईडी पासवर्ड भी है, सारा कुछ है, चलें गुड हो गया, तो अब स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे इसको। ओके, तो हम कहाँ पर थे कि हम एब्रप्ट स्टडी कर रहे होते हैं, हमें ये चीज नहीं करनी, हम एक दिन मोटिवेट नहीं हो सकते, हमें क्या कहते हैं जी अब्दुल कदीर, क्या मसला है आपका? ओके, अब्दुल कदीर ने जस्ट हैंड ही खड़ा करना था, कर दिया उन्होंने, अच्छी बात है, आपने अपना हाथ दिखा दिया हमें, बस हाथ ही दिखाइएगा, पीठ मत दिखाइएगा आई कैब में। तो अच्छा ओके, तो पहली चीज हमारी गलती क्या है कि हम अब्रप्ट स्टडी कर रहे हैं, हमारा कोई शेड्यूल नहीं है, हम किसी शेड्यूल के ऊपर स्टडी नहीं कर रहे। दूसरे नंबर पे क्या मैंने आपको बताया कि हम टू मच स्टडी कर रहे हैं, मतलब अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, टू मच स्टडी का क्या मतलब है। मैं आपको ऐसे ऐसे चीते बताऊंगा, आपने अपनी लाइफ में भी देखे होंगे या आप खुद भी उनमें से हो सकते हैं, कि किसी एक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए होता है कर क्या रहे होते हैं, 3-3 टीचर्स के लेक्चर है उनके पास, 5-5 बुक्स है उनके पास, आई कैप की बुक है उनके पास, आसिफ साहब की बुक है, आतिफ आबी साहब की बुक है, फिर उसके बाद ये है कि कराची के स्टूडेंट तो वहां के टीचर की अपनी बुक होंगी, एक ढेर लगा होता है पूरा उसका। बेटा जी मैं आपको सीधी सी एक बात बताऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने जमीर को मुतमइन करने के लिए इतनी सारी बुक्स इकट्ठी कर रहे होते हैं, बाकी इनका कोई और पर्पज नहीं होता। जब तक कि आप एक बुक को, सिर्फ एक बुक पढ़े, मेरा आपका सिंपल जी मुकद्दस बताइए, मुकद्दस
आप अगर मैसेज टाइप करना है तो मैसेज टाइप करके बता सकते हैं। ओके, मैंने आप कहा देख लिया। अच्छा, तो अब ये है कि हम क्या करते हैं कि हम मेहनत करने के आदमी होते हैं। हमने दिन को YouTube खोलनी है, हमने किसी एक टीचर के लेक्चर देखने हैं, फिर दूसरे के देखने हैं, तीन तीन टीचर्स के लेक्चर देख रहे होते हैं, ठीक है, दो दो तीन बुक से कर रहे होते हैं। यह ये है कि एक दिन बैठ के हम आधे आधे चैप्टर को खत्म कर रहे होते हैं, दो दो चैप्टर को खत्म कर रहे होते हैं। बता ही दें, अब हाथ खड़े कर रहे हैं, माइक ऑन कर लें या फिर मुझे मैसेज टाइप कर दें, इस तरह डिस्टर्ब ना करें ना इतना बेटा जी। मुकद्दस, क्या इशू है आपका? मुझे ना टाइप करके आप मैसेज कर दें, इस तरह इसमें ना करें बार बार। क्या सर आप? ओके बेटा, सब कुछ डिस्कस होगा यार, सबर करो, हम हर चीज कवर करेंगे इंशाल्लाह, आप इस चीज की फिक्र ना करें। अभी आप माइक ऑफ रखें अपने। अच्छा ओके, क्वेश्चन आंसर बाद में रखना जी बेटा, क्वेश्चन आंसर एंड पे रख ले इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड पे ही सारा कुछ होगा। तो अच्छा, ये आवाज कुछ सुनी सुनी थी, मैंने देखा नहीं किसने बात की है। आई थिंक मेरे ख्याल मुदस्सिर या आशिफ। हाँ मुदस्सिर है ना, मैं आवाज में जानता हूँ आपके। अच्छा तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमने ना इतनी सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने जमीर को अपनी नाहली के हिसाब से मुतमईन कर रहे होते हैं, बाकी इसके अलावा कोई हमारे पास चॉइस नहीं होती, या हम ये नहीं होता कि हम स्टडी कर रहे होते हैं। एक टाइम पे सिर्फ एक बुक रखें, एक टीचर को फॉलो करें, प्लीज ये मेरी गाइडलाइन एक बार ना फॉलो करके देखें। मतलब मैं खुद ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मेरे कलीग्स भी थे कि हम उसके पास जाते थे, हम एंग्जाइटी का शिकार हो जाते थे कि भैया इसके पास इतनी बुक्स है, ये तो आई कैप के सारे गोल्ड मेडल एक ही बार लेके चला जाएगा, मतलब हम तो रह गए ना पीछे। और वो बेचारा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला हर किसी को कामयाबी दे, कोई इस तरह की बात नहीं है। और उसको तकरीबन इस टाइम 5 साल हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि उसका लॉ पास हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, कुछ अटेम्प्ट किया है, कुछ में डिस्क्वालीफाई भी हो चुका है अब तक। तो खैर, ये गलती नहीं करनी। एक बुक उठाएं, किसी भी टीचर की उठाएं, मैं आगे बता दूंगा कि बेस्ट हमारे पास क्या हो सकता है, किसी भी टीचर की उठाएं, किसी भी उस्ताद के लेक्चर लेने हैं, सिर्फ एक करें। अपने माइंड को कंफ्यूज ना करें, अपने कंसेप्ट्स को मिक्स ना करें, इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें आप पढ़ते हुए, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आज की हमारी क्या कहते हैं डिस्कशन में हमने क्या निकाला कि हमने कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करना है। सबसे पहली तो बात है कि हमने पास पेपर और इन चीजों की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से मुराद हमने अपनी प्रेजेंटेशन दुरुस्त करनी है, ठीक है। अभी आराम से लिखना शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड में आ जाएंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन दुरुस्त रहेगी। आप हमेशा कोशिश करें पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखें, पैराग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं करना आपने, एडवाइजेबल नहीं है। 28% रिजल्ट आई कैप का ऐसे नहीं आता, मैं आपको बताऊंगा अभी। एक क्वेश्चन हम जो मैंने टेस्ट लिया उसमें से एक पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करके बताऊंगा कि हम क्या मिस्टेक्स करते हैं। उसके बाद कोई एक बुक उठानी है, सिर्फ एक बुक, ठीक है, और किसी एक टीचर के लेक्चर लेने हैं अगर आप ले रहे हैं तो। नहीं तो अगर आप क्या कहते हैं 45 प्लस पे रहे हैं तो फिर आई डोंट थिंक कि आपको क्या कहते हैं लेक्चर की जरूरत है, आप जस्ट सेल्फ स्टडी से और पास पेपर की प्रैक्टिस की कमी की वजह से आप रह चुके हैं वहां पर, अपनी प्रेजेंटेशन की वजह से आप मार खा चुके हैं, या जो है कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में वीक हैं। तो इसके ऊपर आप फोकस करेंगे सिर्फ एक के ऊपर। तीसरे नंबर पर कि आप शेड्यूल के साथ चलेंगे, अपना शेड्यूल बनाए बेटा जी। इस तरह नहीं होगा कि एक दिन 8 चैप्टर 4 चैप्टर 2 चैप्टर कर लें, अगले हफ्ता आप बुक को ना देखें, इस तरह आप पास नहीं होने वाले। आप बेशक अपने पास लिख सकते हैं। तो हमारी मिस्टेक्स हमने आइडेंटिफाई की कि मेजर हमारी मिस्टेक्स हमारे एग्जाम में जो हम स्टडी वगैरह में कर रहे होते हैं, पेपर सॉल्व करने में कर रहे होते हैं, वो हम ये कर रहे होते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और अगला हमारा देखते हैं कि क्या चीज है। हाउ टू स्टडी बुक एंड विच बुक शुड बी यूज्ड, सच एज सजेस्टेड अप्रोच टू रीड स्टडी टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर एग्जाम्स। तो ये हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ना आपको तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स के इसके ऊपर, मैं आपको बताऊंगा भी सही और साथ में आपको बताऊंगा अपनी हर चीज की रीजन लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्यों कर चुका हूं। जो स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं उनको बेटर आइडिया, उनको मैं तकरीबन 10 बार ये चीजें बता चुका हूं, बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं अभी गाइड कर दूंगा, ठीक हो गया। तो 5:30 पे नमाज की ब्रेक का पूछा जा रहा है, तो जो स्टूडेंट ब्रेक लेना चाहते हैं मुझे बता दें, अगर मेजॉरिटी हक में, नहीं तो टाइम होगा इंशाल्लाह कि हम 6 बजे तक इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद भी टाइम रह जाएगा हमारे पास। असर की नमाज का टाइम होता है 6:30-7 बजे तक, तो हम उसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो CA 786 786, भाई साहब आप अपना कैमरा ऑफ कर लें, मुझे अभी अपनी स्टडी पे फोकस करने दें जरा इस पे। ओके, तो पहली बात तो यह है कि जब आप आई कैप की बुक पढ़ेंगे, पहली सबसे चीज है कि सबसे प्रेफरेबल स्टडी की बुक आई कैप है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आई कैप की बुक को आपने पढ़ना है, याद नहीं करना। पढ़ेंगे आप आई कैप की बुक को मस्ट, याद नहीं करेंगे, उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ।
हम जब एग्जाम में बैठे होते हैं ना, हमारे ऊपर तीन चार कंफ्यूजन होती हैं जो हमारे पेपर की डिप्रेशन या टेंशन पे मजीद ऐड कर रही होती है। ओके, तो 10 मिनट के बाद ये सेशन एंड होगा, नया लिंक आपको मिलेगा, आपने सबने फौरन ज्वाइन करना है। 5:30 ब्रेक फॉर प्रेयर नीडेड, ठीक है। 5:30 पे इंशाल्लाह, 5:30 पे फिर 5:30 पे हम इंशाल्लाह सेशन एंड करेंगे अपना। 20 मिनट की ब्रेक होगी, उसके बाद दोबारा ये सेशन चलेगा, तो तब तक हम जितना कवर कर सकते हैं अभी तक कर लेते हैं, ठीक हो गया। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू रीड स्टडी टेक्स्ट, सबसे पहली चीज ये है कि इंपॉर्टेंट कि आपने स्टडी टेक्स्ट पर तैयार करना है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान में रखें कि आपने स्टडी टेक्स्ट याद नहीं करनी, याद आपको क्या करना है, स्टडी टेक्स्ट के आपने नोट्स बनाने हैं, आपने खुद अपने नोट्स बनाने हैं। मैं आपको क्या कहते हैं दिखा देता हूं कि किस तरह मैं मतलब अपने स्टूडेंट्स को एक टीच वगैरह करता हूं या पढ़ाता हूं। तो स्टडी टेक्स्ट पढ़ने के लिए आपके लिए जरूरी है, आप उसको पढ़ेंगे। हम इतने बड़े कानूनदान या अंग्रेजदान नहीं है, अंग्रेज नहीं है कि हम अपनी वर्डिंग में चीजें लिख सकें। बाज़ुकात ये होता है कि हमें कहीं ना कहीं पे एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, लेकिन आपको एट द एंड जो है क्या कहते हैं स्टडी टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा। आपने पढ़ना स्टडी टेक्स्ट है, उसके बाद याद आप अपने नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना लें। आप किसी सर की बुक यूज करना चाहते हैं, सर की बुक यूज कर लें। आप कुछ भी यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन स्टडी टेक्स्ट की बुक क्या कहते हैं पढ़े बगैर पास करना आपके लिए तकरीबन 80% तक आपके चांस जो है वो कम कर देता होता है। आपने पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, आप स्टडी टेक्स्ट की बुक उठाएं और उसके अंदर कोई पैराग्राफ लें, ठीक है, उसके अंदर पैराग्राफ लें और उसके अंदर आप खुद इस चीज को एवेल्युएट करें कि इसके अंदर इसको मैं पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूं। जिस तरह कि मैंने नोट्स बनाए हुए स्टूडेंट्स को मैं यहां पे पढ़ाता भी हूं तो देता हूं। तो जब तक पहली हमारी क्या पॉइंट थी कि जब तक आप पॉइंट्स की फॉर्म में अपनी थ्योरी की बुक कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप एग्जाम में पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे, आप पूरी की पूरी प्रोविजन गलत कर बैठेंगे बेटा जी। तो पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना सबसे ज्यादा एडवाइजेबल है। दूसरे नंबर पे ये है कि आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ेंगे याद नहीं करेंगे। याद आपने क्या करना है, याद आपने ये नोट्स करने होंगे जो पॉइंट्स की फॉर्म में आप खुद बनाएंगे। जब आप अपने नोट्स बना लेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में क्या फायदा होने वाला है आपको। मैं आपको क्यों नहीं कह रहा कि आप किसी टीचर की बुक यूज करें। हम एग्जाम में बैठे होते हैं, हमारे ऊपर काफी प्रेशर्स होते हैं। बाज़ुकात ऐसा होता है कि हमारे साथ ना कुछ या बाहर जब खड़े होते हैं तो कुछ हमारे साथ महातीर मोहम्मद टाइप के या इस तरह के लेजेंड जो होते हैं ना, वो खड़े होकर डिस्कशन कर रहे होते हैं और वो कुछ ऐसी डिस्कशन कर रहे होते हैं कि बेटा क्वेश्चन एंड पे रखें ये वाले, वो कुछ इस तरह की डिस्कशन कर रहे होते हैं। हो सकता है कि वो ऑडिट की कर रहे हो सकता है कि वो बीएम की कर रहे हो, दो चार वर्ड्स हमारे कानों में पहुंचते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो सिलेबस से आउट है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, क्या पता ये किस बुक से तैयारी करके आए हैं। ये वाली सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो होती है ना एग्जाम में हमें मार जाती है। हमें सबसे बड़ी टेंशन क्या रहती है, कहीं हमने सिलेबस मिस तो नहीं कर दिया, क्या उस बुक ने पूरा सिलेबस कवर किया था जो कि स्टडी टेक्स्ट कवर कर रही है, क्या हमने इनफ स्टडी की है। तो बेटा जब हम आईकैप की बुक करते हैं ना तो इसके 4 से 5 फायदे हो जाते हैं हमें। सबसे पहली बात, हमें इस चीज की टेंशन नहीं रहती कि हमने सिलेबस पूरा कवर किया है कि नहीं किया। हमें पता होता है कि पेपर जो है वो स्टडी टेक्स्ट के अंदर से आना है, लिहाजा हम जो स्टडी टेक्स्ट पढ़ के आए हैं इसी में से ही पेपर होगा। कोई मर्जी बैठ के आलमचना या क्या कहते हैं अरस्तु बैठ के कुछ मर्जी डिस्कस करते रहे, हमें ये टेंशन नहीं होती कि हमने सिलेबस छोड़ा। दूसरे नंबर पे बेटा जी ये होता है कि जब हम पूरी स्टडी टेक्स्ट को एक बार रीड करते हैं, याद करने का मैं फिर नहीं कह रहा, रीड करते हैं, हमें काफी सारा मटेरियल एक्सप्लेनेटरी मिल जाता है। हमें पता चल जाता है कि लॉ की वर्डिंग लिखनी कैसे है। लॉ की वर्डिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ ग्रामेटिकल इंग्लिश, जो हमारी वर्डिंग लैंग्वेज की इंग्लिश है, जो हमारी टिपिकल किसको कहते हैं क्या कहते हैं यार उस इंग्लिश को, लिटरेचर की इंग्लिश है, ये बहुत मुख्तलिफ है हमारी लीगल इंग्लिश से। लीगल लैंग्वेज में आप सिर्फ और शैल विल यूज कर रहे होते हैं, ज्यादातर पैसिव वाइज यूज होती है वर्डिंग, तो लिहाजा आपको वर्डिंग मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि लीगल लैंग्वेज होती क्या है। तीसरे नंबर पे क्या होता है कि जब आप बुक को अपने नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास अपने एक नोट्स तैयार होंगे लिखी हुई फॉर्म में, आपकी लिखने से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। चौथे नंबर पे आप देख के जब लिखेंगे उसकी प्रैक्टिस आपकी उससे ज्यादा होती है। पांचवें नंबर क्या है कि क्योंकि स्टडी टेक्स्ट के साथ पास्ट पेपर नहीं है, पास्ट पेपर आपको अलग से करने पड़ेंगे, बाकी जितने भी बुक्स मौजूद है मार्केट में हर किसी के साथ पास्ट पेपर है। हम पता क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं पैराग्राफ, साथ नीचे पास पेपर है, उसका आंसर पढ़ा और निकल गए आगे, बस क्या सिर्फ पढ़ा और निकल गए। स्टडी टेस्ट के अंदर पास पेपर देने का ये सिर्फ मकसद नहीं होता कि आप पढ़ें, उनको सॉल्व करना एक्चुअली पर्पज होता है। स्टडी टेस्ट में पास पेपर है ही नहीं, तो इस झंझट में ही नहीं है, तो आपको पास पेपर अलहदा से करने पड़ेंगे। तो जब अलहदा से आप पास पेपर करते हैं उसका एक अलहदा से आप कंसेप्ट लेते हैं, चैप्टर एंड करके आप कंसेप्ट लेते हैं, तब आपको पता चल जाता है कि आपने इसमें कितनी चीजें मिस की थी।
ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आप उसको लिख के प्रैक्टिस करते हैं, तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि एक बार स्टडी टेक्स्ट पढ़ने से, दो बार इन नोट्स को याद करने से, एक बार पास पेपर की प्रैक्टिस करने से, आई डोंट थिंक कि आईकैप आपको फिर 20% रिजल्ट के ऊपर फेल कर सकता है। ठीक है, एट द एंड आपने फीडबैक लाजमी देखना है और बताते जाइएगा कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, एट पे एंड पे आपने लाजमी मुझे इस चीज के ऊपर गाइड करना है। ओके, तो एडवाइजेबल क्या है कि आईकैप की स्टडी टेक्स्ट पढ़ें, उसके बाद अपने नोट्स पे प्रिपेयर करें और उसके से अपनी तैयारी करें, साथ आप पास पेपर की या टेस्ट सेशन की तैयारी जरूर करें। तो अब तक हमें क्या पता चला कि हमने तैयारी कैसे करनी है, कुछ चीजें हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली तो बात है कि हमें भैया जी एक दिन बैठ के सारा कुछ नहीं पढ़ना, शेड्यूल बनाना है। दूसरे नंबर पर क्या होगा कि हम आईकैप की स्टडी टेक्स्ट पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर क्या होगा कि हम उसके नोट्स बनाएंगे। चौथे नंबर पर क्या होगा कि हम पास पेपर साथ में करेंगे। ठीक है, जब हम पास पेपर करेंगे तो हम जल्दी में नहीं करेंगे, हम अपनी प्रेजेंटेशन को सुधारेंगे, हम पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम पॉइंट्स की फॉर्म में बुक को लिखेंगे, आंसर पॉइंट्स की फॉर्म में देंगे। एट द एंड हम इंशाल्लाह एक चीज डिस्कस करेंगे कि जो हम क्या कहते हैं पास्ट पेपर को या क्वेश्चन को आंसर के साथ रिलेट करने में मसला कर रहे होते हैं, वहां पे क्या इशू आते हैं हमारे। ठीक है, इंशाल्लाह हम वो भी देखेंगे। तो ये चीजें अभी हमें अब तक हमें क्लियर हुई हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, आईकैप की आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, एक स्ट्रेट क्वेश्चन को। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा हेल्प लूंगा अपने टेस्ट वगैरह की, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा गाइड करूंगा कि उम्मीद है कि हम अपना सेशन शॉर्ट ही रखेंगे, कंप्लीट कर लेंगे तब तक। टेस्ट सेशन सेप्टेम्बर, इसमें टेस्ट नंबर 2 निकाल लेते हैं, टेस्ट 2 उसका सोल्यूशन भी साथ में निकाल लेते हैं, तो जो टेस्ट वाले बैठे हैं उनको आइडिया होगा अच्छे तरीके से कि ये उन्होंने क्योंकि टेस्ट दिए हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ पे क्या मसले करते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि आप क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद आंसर देखते हैं। ये सजेस्टेड आंसर है, यहाँ पे जो आंसर इसमें मैंने ज्यादातर दिए हुए हैं ये सजेस्टेड आंसर हैं आईकैप के पास पेपर के साथ। हम अप्रोच देखते हैं कि आईकैप की अप्रोच है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आज इसमें कौन कौन से पॉइंट करने हैं। सबसे पहले तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कैसा है, स्ट्रेट क्वेश्चन कैसा करना है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, और एमसीक्यूज कहां से करने हैं। हम चारों क्वेश्चन का अभी आंसर ले लेते हैं। पहले नंबर तो बात है कि अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन पेपर किधर गया, ये गया, हम इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, एमसीक्यूज को हम बाद में देखेंगे कि इस पे क्या करना है। अब ये देखें, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ये क्वेश्चन जो है, मैं किसी से पूछूं कि प्रैक्टिकल है या स्ट्रेट क्वेश्चन है, कोई स्टूडेंट मुझे इस पे बताएगा कि ये प्रैक्टिकल है या स्ट्रेट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ पूछूंगा अब्दुल कदीर आप बताइए जरा ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल है या स्ट्रेट है, इसको पढ़ के बताएं मुझे आप। अब्दुल कदीर स्लाइड पे फुल, हाँ हाँ मौजूद है, मौजूद है जी, बताइए अब्दुल कदीर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अभी तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी तक इस चीज पे बात कर रहा था कि आईकैप कहता है कि जो 60% है वो नॉलेज बेस्ड होगा, 40% नॉलेज बेस्ड, मतलब रट्टा समझो भाई, सीधी सी आसान भाषा में समझो, क्या मतलब इतनी लंबी फॉर्मेलिटीज रखनी है। लिहाजा जो क्या कहते हैं बाकी 60% बचता है वो प्रैक्टिकल होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वो देखें उसने केस स्टडी बनाया क्या है, द डायरेक्टर ऑफ मुंतकिल लिमिटेड आर कंसीडरिंग टू रिलोकेट कंपनी ब्ला ब्ला ब्ला, इसका जरा देखते हैं कि आंसर क्या है कि एक ऑफिस को, रजिस्टर्ड ऑफिस को ट्रांसफर करना है, तो ये उसका सलूशन है और ये आईकैप का सजेस्टेड सलूशन है। यहाँ आप मुझे देख के बताएं कि कहीं से आपको ये उस केस के साथ रिलेटेड चीज लग रही है। हम यहाँ से देखते हैं कि हमें आईकैप ने इसके अंदर क्या क्या सबक दिया, इस क्वेश्चन से आंसर से हम सबक लेते हैं। पहली बात तो यह है कि उसने यहाँ पे कोई लंबे चौड़े पैराग्राफ प्रोड्यूस करके अपनी इंग्लिश हम पे नहीं झाड़ी कि भैया सानू भी अंग्रेजी आती है, कल तुसी नहीं आगे जी पूरी पूरी बुक लिख दें, एक नवी बुक लिख दें हर आंसर शीट है। ठीक हो गया, पहली बात तो यह है कि भैया उसने सिंपल सिंपल से पॉइंट लिखे हैं, जिस तरह कच्ची का बच्चा लिख रहा होता है या पांचवी क्लास में हम लिखते थे, इट्स अ टेबल, इट्स अ गुड टेबल, इट्स अ फोर लेग्स, इट्स कलर इज ब्लैक एंड व्हाइट, तो सेम उसने वही वर्डिंग यूज किया। एक चीज उसने बिल्कुल क्या कहते हैं सिंपल से सेंटेंस यूज किया, फिर उसने क्या किया है कि उसने पॉइंट्स की फॉर्म में प्रोड्यूस किया, और एट द एंड उसने क्या किया है कि देखें कि उसने जस्ट प्रोविजन प्रोड्यूस किया है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि वो जो 60% क्या कहते हैं आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, वो 60% सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल बेस्ड, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं होते, उसमें सिर्फ 20 नंबर ऐसे होते हैं या 25 नंबर ऐसे होते हैं जिसको आप प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो आपको जब ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिकल है और कौन सा क्वेश्चन स्ट्रेट है, कंपनी लॉ आपके लिए कोई मसला नहीं है सॉल्व करना, एम लॉ कुछ भी आपके लिए मसला नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन देखें आप, हमने इस क्वेश्चन से क्या क्या चीजें निकाली, हर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होता, हम उसे बैठ के केस के साथ रिलेट करना नहीं शुरू कर देंगे, 6-6 बार हम उसमें नाम नहीं डालना शुरू कर देंगे। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है कि क्या वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि नहीं है। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है कि हमने लंबे लंबे पैराग्राफ लिख के अपनी अंग्रेजी झाड़ के एग्जामिनर को इंप्रेस नहीं करना,
ठीक है। वजह क्या है कि हमारी अंग्रेजी खुद की पूरी सूरी है, वो कुछ क्वेश्चन बन रहा होता है उसका आंसर कुछ का कुछ हम क्या कहते हैं सवाल गंदम जवाब चना दे के आ जाते होते हैं और फिर कहते हैं आई कैप सानू पास नहीं करता। हमारे पास एक मिनट से कम टाइम रह गया है, नया लिंक अभी आपको मिलेगा इंशाल्लाह, तो वो आप फौरन ज्वाइन कर लें।